5, 4, 3, 2, 1, 0. तो हाउ टू स्टार्ट वर्किंग इन एटॉमी, हाउ टू स्टार्ट अवर वर्क इन एटॉमी। हम एटॉमी में बहुत जोश से, बहुत ही उत्साह से जुड़ चुके हैं। अब हमें ये जानना है कि एटॉमी का काम करने का तरीका क्या है और सही सिस्टम क्या है। हाउ टू स्टार्ट इन एटॉमीज बिजनेस। देखिए, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको पजल करना नहीं चाहता, कन्फ्यूज करना नहीं चाहता। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप पेपर पेन लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके लिए हमेशा जिंदगी भर काम आने वाली है। चाहे आप कितने भी बड़े रैंक पे पहुंच जाएं, तब भी आपको ये बेसिक जो है वो हमेशा याद रखने हैं, और बेसिक को आप जब भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको नए रिजल्ट निकल के आएंगे। तो 4 जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, परचेज द प्रोडक्ट। सेकंड इज यूज द प्रोडक्ट। थर्ड इज शेयर द प्रोडक्ट। एंड 4th इज फॉलो द सिस्टम। ठीक है, अब हम एक एक करके सब चीजों को समझेंगे। लेकिन ये क्यों जरूरी है, ये 4 स्टेप्स मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ पर? हर चीज के पीछे कोई ना कोई वाई होता है। आप काम कर रहे हैं एटॉमी में, आज आप मीटिंग में आए हैं, आपके इसके पीछे भी कोई ना कोई वाई जरूर होता है, राइट? पर्पस होता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दीज 4 स्टेप्स, ये जानने की कोशिश करते हैं। परचेज द प्रोडक्ट तो जरूरी है, वो सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि जब तक आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करने के बाद उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे, उसको परचेज नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज को शेयर नहीं कर सकते, आप लोगों को बता नहीं सकते, और आप खुद भी फील नहीं कर सकते कि वाकई में ये अच्छे प्रोडक्ट हैं नहीं। लेकिन ये हो गई एक किताबी बातें, राइट? मैं आज आपसे सीधी बात करूंगा, बिल्कुल फेस टू फेस सीधी बात करूंगा। मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको कोई यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने नहीं आया हूँ, मैं आपका सिर्फ एक प्रैक्टिकल, एक लॉजिकल आपको एक रीजन बताने आया हूँ कि क्यों हमें करना चाहिए। सबसे पहला जो रीजन है कि परचेज द प्रोडक्ट का जो मेन रीजन है, टू गेट द डीलर्स। देखिए, आपको हो सकता है अजीब लगे, लेकिन ये ही एक रीजन है कि जो सबसे बड़ा आपके पीछे होना चाहिए, कि हमें अगर एटॉमी में ज्वाइन कर लिया है, लेकिन हमारी इनकम तब स्टार्ट होती है जब हम कोई भी डीलरशिप का लेवल हम अचीव कर लेते हैं, राइट? आप भी जानते हैं, कल का कंपनसेशन प्लान आपने देखा होगा, अटेंड किया होगा, तो उसमें यही बताया था कि पहला जो डीलरशिप रैंक है, डेट इज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए 10,000 पॉइंट वैल्यू चाहिए होते हैं, 10,000 पॉइंट वैल्यू। और जब तक हमारे पास 10,000 पॉइंट वैल्यू नहीं आते, तब तक हम इस बिजनेस से 1 रुपए की भी इनकम नहीं कर सकते। अब 10,000 पॉइंट वैल्यू के लिए कितना पैसा चाहिए वो आपको भी पता है, आप सब लोग जानते हैं। मुश्किल से 2,000 के अराउंड अगर आप परचेजिंग कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर डीलरशिप मिल जाती है। तो हमारा जो पहला पर्पस है परचेज करने का, वो होता है, हर आदमी का होता है, टू गेट द डीलरशिप। लेकिन साथ साथ हमें उस प्रोडक्ट को यूज भी करना है। यूज इसलिए करना है क्योंकि हम उसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बताएंगे, तभी वो बिजनेस आगे बढ़ेगा। जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो हम खाली एक सेल्समैन की तरह काम करेंगे। अब आप ये बताइए, एक बार चैट ऑप्शन में आप यूज करके बताइए, आप यहाँ पर सेल्समैन बनना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? प्लीज रिप्लाई। आप सेल्समैन बनना चाहते हैं तो सेल्समैन लिखिए, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेसमैन लिखिए। बिजनेसमैन, वेरी गुड। कंसल्टेंट, वेरी गुड। बिजनेसमैन, वेरी गुड, वेरी गुड। बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन भी हो सकता है आप में से जो फीमेल्स हैं। देखिए, एक सेल्समैन, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ, वंडरफुल। इट्स प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू एक्टिव पार्टिसिपेंट। देखिए, एक सेल्समैन को एक अलग तरीके से काम करना पड़ता है और एक बिजनेसमैन को एक अलग तरीके से काम करता है, ये आप भी जानते हैं। सेल्समैन खाली अपनी सैलरी लेने के लिए, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए काम करता है। उसको कोई परवाह नहीं होती कि उसका कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है, वो सही बोल रहा है लोगों को या झूठ बोल रहा है। उसको बस सिर्फ ये होता है कि मेरे को जो टारगेट दिया गया है उतना मेरे को सेल करनी है ताकि मेरे को सैलरी या कमीशन मिले, राइट? आई होप यू एग्री। लेकिन एक बिजनेसमैन सेल्समैन में ये अंतर होता है कि बिजनेसमैन उस चीज को प्रमोट, उस चीज को अपना बिजनेस समझ के करता है, अपना खुद का बिजनेस समझ के करता है, और वो सारी चीजें उसके लिए जो जरूरी है वो करना पड़ता है उसको, ताकि उसका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक, लाइफ टाइम तक चलता रहे। उसको सिर्फ अपनी सैलरी की या 30 तारीख की या 1 तारीख की चिंता नहीं होती, उसको अपने आने वाले सारी जिंदगी की चिंता होती है।
तभी वो सही चीज को प्रमोट करता है, सही चीज को बना पाता है। वो सबसे पहले क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है। अगर वो प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है तो सबसे पहले वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है कि मैं जो बना रहा हूँ उसको पहले खुद यूज करके देखता हूँ कि क्या ये वाकई में लोगों को पसंद आएगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप एक सपोज करो, आप अगर आप एक शैम्पू, मेरी बात आ रही है ना, अगर आप एक शैम्पू को बनाने की फैक्ट्री डाल लेते हैं या कोई भी एक सिंपल कॉस्मेटिक बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद यूज करके ये चेक करना पड़ता है कि व्हाट इज द क्वालिटी और इसकी डिमांड मार्केट में आएगी या नहीं आएगी, कंप्लेंट तो नहीं आएगी, तो वो उसके लिए आपको खुद यूज करना पड़ता है, राइट? तो उसी तरह से आप बिजनेसमैन बनने आए हैं तो आपको सबसे पहले अपनी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले वो अपने ऊपर आपको फील करना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको प्रोडक्ट्स का यूज करना पड़ेगा, तभी आप कॉन्फिडेंटली लोगों को कह पाएंगे नहीं मैंने, आप कुछ भी कह रहे हो, सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, मैंने यूज करके देखा है ये प्रोडक्ट बहुत शानदार, इसकी क्वालिटी जबरदस्त है, तभी आप वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। एटॉमी को ज्वाइन करने से, जब हमने ज्वाइन किया, तो मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जब ज्वाइन किया था तब एटॉमी कंपनी में लॉन्च नहीं हुई थी, इंडिया में अंदर लॉन्च नहीं हुई थी, उससे पहले हमने ज्वाइन कर लिया था, काफी लोगों ने पहले भी ज्वाइन कर लिया था। हम वेट करते रहे कब इसके लॉन्चिंग होगी, कब प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन जिस दिन प्रोडक्ट आए उसके बाद जो हमारा बोलने का जो तरीका था, जब हमने यूज कर लिया, वो एकदम से बदल गया अपने आप ही। वो हमें फील नहीं हुआ कि क्यों बदल गया, लेकिन अपने आप ही बदल गया, क्योंकि उसके बाद हम प्रोडक्ट को ऑर्डर करके घर पे मंगा के यूज करने के बाद लोगों से बात कर रहे हैं। तो जब मैंने इसका टूथपेस्ट यूज किया, इसका टूथब्रश यूज किया, शैम्पू यूज किया, द फेम यूज किया, तो मेरे को ये एहसास हो गया कि वाकई में यार कंपनी जो भी कहती थी अब तक हम मान रहे थे, लेकिन अब मैंने खुद उसका एक्सपीरियंस किया है कि झूठ नहीं कह रही कंपनी। जो एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी की बातें हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो वाकई में सच है। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आप उसको यूज करोगे। बिना उसके आप एक सेल्समैन की तरह ही लोगों को बोलते रहोगे ये खरीद लो, ये खरीद लो, लेकिन आपको भी पता है कि मार्केटिंग वाला सेल्समैन जो बोलता है, हमारे मन में भी वो सुन के ये बात आती है कि ये तो बेचने के लिए कर रहा है, ये तो बेचने के लिए अच्छा ही बोलेगा अपनी चीज को, कोई भी एक नहीं बोलेगा कि खराब है। लेकिन जब वो खुद यूज करके आप एज ए कंज्यूमर दूसरों को बताएंगे, तो आपकी बात में वजन भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो डेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप प्रोडक्ट को परचेज करके खुद यूज कीजिए। अभी तक आपने अगर यूज नहीं किए हैं तो आप डेफिनेटली इसको यूज कीजिए, परचेज कीजिए। परचेज करने का और भी फायदे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। और यूज करने के बाद जब आपको अच्छा लगे तो आप लोगों से शेयर कीजिए। अगर आपको बुरा लगता है तो आप लोगों को बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों को इसकी तारीफ कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि अभी तक हम यूज कर रहे थे कोई भी प्रोडक्ट, तो हम लोगों को ज्यादा बता नहीं रहे थे। वैसे हमारी आदत होती है इंडियंस की खासकर, कि हम लोगों को अच्छी चीजें बहुत जल्दी बताते नहीं है, लेकिन हम बुरी चीजें बहुत जल्दी शेयर करते हैं। अगर हमें कोई हमारे साथ कोई गलत हो जाता है, या किसी के साथ भी हमें कोई गलत न्यूज मिलती है, कुछ गलत हुआ है, तो हम उसको शेयर करते हैं, लेकिन अच्छी चीजें हम ज्यादा शेयर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो है, ये बिजनेस ही शेयरिंग का है। आप जितना शेयर करेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ता रहे। तो आप चाहते हैं आपका बिजनेस बढ़े या एक लिमिट में रहे? अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपेंड हो मेरा बिजनेस, खूब दुनिया में फैले, तो आपको यहाँ पर शेयर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप तो अभी तक शेयर करना शुरू नहीं करा है, तो आप शेयर करना शुरू कर दो। जो भी आपको, जहां पर भी आपको किसी से भी बात हो रही हो, वहां पर आपका एक ना एक पूरी बात के अंदर एक जिक्र जरूर होना चाहिए एटॉमी प्रोडक्ट के बारे में। बिजनेस के बारे में मत बताइए पहली बार, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताइए कि एटॉमी का आपने टूथपेस्ट यूज किया, आपने एटॉमी का शैम्पू यूज किया, आपने एटॉमी का डीप क्लींजर यूज किया, आपने एटॉमी का हाइड्राब्रेटिंग यूज किया, बहुत ही जबरदस्त है। एज ए फ्रेंड टू फ्रेंड, आप पर्सन टू पर्सन आप लोगों से शेयर कीजिए। सेल्समैन की तरह बात मत कीजिए, एक कंज्यूमर की तरह बात कीजिए, क्योंकि आपने ये वो यूज किया, आपने अच्छा लगा, तो आप लोगों से शेयर कर रहे हो। और यहाँ पर शेयर करके ही लोग एम्पीरियल मास्टर तक पहुंच गए हैं। आप जो एम्पीरियल मास्टर हैं हमारे, उनके आप इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने प्रोडक्ट का यूज किया और लोगों को शेयर किया। और फोर्थ स्टेप जो है वो है फॉलो द सिस्टम। अब फोर्थ सिस्टम क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इन सब का रीजन जो है वो ये है, परचेज द प्रोडक्ट टू गेट द डीलरशिप, यूज द प्रोडक्ट टू गेट द एक्सपीरियंस, शेयर द प्रोडक्ट टू गेट कस्टमर्स। कस्टमर्स आपके पास तभी आएंगे जब आप शेयर करेंगे, उससे पहले आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा। और फॉलो द सिस्टम टू गेट सक्सेस। अब एक एक करके हम सारी चीजें आगे समझते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात करी कि टू गेट द डीलरशिप, हमें क्यों परचेज करने हैं, टू गेट द डीलरशिप।
अगर आप सबको ये क्लियर नजर नहीं आ रहा है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आपके फोन पे आप इसको वर्टिकल मोड पे कर लीजिए, फोन की स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे ले जाइए, और फिर भी अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो उसको जूम कर सकते हैं किसी भी हिस्से को। तो इस चार्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन सी डीलरशिप में क्या बेनिफिट है, राइट? क्योंकि अब हम बिजनेसमैन बनने आए हैं। आप सबसे मैंने पूछा, आपने मेरे को ये जवाब दिया कि हम बिजनेसमैन बनने आए हैं। तो बिजनेसमैन की एक स्ट्रेटेजी होती है, आपको पता है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ से माल लेना है, कहाँ कहाँ पे माल बेचेंगे हम, किस तरह से हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी जो है, ये एटॉमी की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि डीलरशिप की रैंक्स कहाँ पर है। डीलरशिप की ये 5 रैंक्स होती हैं। आप लेफ्ट में देखिए, सेल्स रेप, उसके बाद एजेंट, उसके बाद स्पेशल एजेंट, उसके बाद डीलर, और उसके बाद एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बारे में आप कल समझ चुके हैं, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि हर डीलरशिप की क्या फायदे हैं और कितने फायदे हैं, राइट? आप स्टार्ट करना चाहें तो आप पहले लेवल से भी कर सकते हैं, आप स्टार्ट करना चाहें तो किसी भी लेवल से कर सकते हैं। क्या फायदे हैं और कितनी जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे, वो आपकी अपनी चॉइस है और आपकी अपनी एफर्ट्स हैं। पहले डीलरशिप की बात करते हैं, सेल्स रैप, जो कि है, स्टार्ट होती है 10,000 पॉइंट वैल्यू से, 10,000 पॉइंट वैल्यू से लेकर 3,00,000 पॉइंट वैल्यू तक। जब आप उसके पहले 3,00,000 से कम रहते हैं तो आप सेल्स रैप की रैंप पे रहते हैं। अब 10,000 पॉइंट वैल्यू के लिए आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, 1,800, 1,700, 1,500, 2,000, 2,200, 2,400, जो आपके मन के प्रोडक्ट हैं उतने की आप शॉपिंग करते हैं। लगभग एवरेज यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, या जब आप 2,000 रुपए की परचेजिंग कर लेंगे तो आपको एक्यूमुलेटेड आपके 10,000 पॉइंट वैल्यू हो जाते हैं, राइट? ये चार्ट आप ध्यान से समझ लीजिए पहले। इधर हमने रैंक्स लिखी हुई है, इधर हमने पॉइंट वैल्यूज लिखे हुए हैं, इधर कितनी रुपए की शॉपिंग हमें उसके लिए चाहिए, ये एवरेज लिखा हुआ है। ये फास्ट, मतलब ये हार्ड एंड फास्ट कोई फिगर नहीं है कि इतने ही आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन लगभग इसके अराउंड आपको मिल लगाने सकते हैं। इतने की शॉपिंग होती है तो आपको ये डीलरशिप की रैंक मिल जाती है, ठीक है? अगले जो कॉलम है, डेट इज कि कौन सी इनकम आपको मिलती है। अब आपको पता है यहाँ पर 3 तरह की आप इनकम कमा सकते हो। पहली होती है जनरल मैचिंग कमीशन, सेकेंड होती है मास्टरशिप बोनस, और थर्ड इज एजुकेशन सेंटर बोनस, ठीक है? इसके अलावा रिटेल इनकम है, वो हर आदमी कमा सकता है, चाहे आप कितने भी पॉइंट वैल्यू पे हो। और टोटल लास्ट में हमने लिखा हुआ है कि टोटल मंथली इनकम उस पर्सन की कितनी होगी। तो आइए समझते हैं, सेल्स रेप जो है, अगर वो 2,000 रुपए की शॉपिंग कर लेता है तो उसको लगभग 10,000 पॉइंट वैल्यू मिल जाते हैं। उसको सबसे पहले रैंक पे उसको एक ही इनकम कमाने का मौका मिलेगा, जो कि है जनरल मैचिंग कमीशन। मास्टरशिप बोनस उसको नहीं मिलेगा, एजुकेशन सेंटर बोनस भी उसको नहीं मिलेगा, और 1,321 रुपए का उसको जनरल मैचिंग कमीशन आता है जब जब उसका मैचिंग होता है। मैचिंग आपको पता है 3,00,000 पॉइंट वैल्यू से मैचिंग होता है, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो जब जब उसका 3,00,000 पॉइंट वैल्यू लेफ्ट और राइट का मैच होगा, उसको 1,321 रुपए की जनरल कमीशन आएगी। ये पर डे की इनकम है। अब एक पर्सन अगर आता है तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्या है वो क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस करने के लिए आए हैं या फिर आप खाली पॉकेट मनी कमाने के लिए आए हैं, एक बार आप मेरे को बताएंगे चैट ऑप्शन में लिख के। आप यहाँ पर पॉकेट मनी कमाने आए हैं तो पॉकेट मनी लिख दीजिए या पीएम लिख दीजिए। आप यहाँ पर लाइफ टाइम इनकम कमाने आए हैं तो आप एक बार लाइफ टाइम इनकम लिख दीजिए या फिर LTI लिख सकते हैं, लाइफ टाइम। वेरी गुड बिगेन शैलेंद्र जी, वेरी गुड मेघना जी, लवली जी, वेरी गुड। किसी को पार्ट टाइम या पॉकेट मनी इनकम चाहिए क्या, एक बार मेरे को बताएं। लाइफ टाइम तो सब लिख रहे हैं। किसी को पॉकेट मनी चाहिए क्या? पॉकेट मनी आजकल, वैसे हमारे जमाने जब हम छोटे थे ना तो हमें पॉकेट मनी मिलती थी, मैं याद करता हूँ तो मेरे को 150 रुपये मिलती थी शायद, 100-150 रुपये। आजकल 100-150 में कुछ नहीं आता, तो आज 10,000 रुपये कम से कम पॉकेट मनी बच्चे भी मांगते हैं कि एटलीस्ट 5,000-10,000 तो दे दो, कुछ इससे कुछ हमारा गुजारा हो जाएगा। तो किसी को पॉकेट मनी चाहिए तो बता दें, मैं आपको पॉकेट मनी का आपको रास्ता बता देता हूँ। पैसिव इनकम लाइफ टाइम, वेरी गुड, वेरी लवली, लवली ऑडियंस, लवली ऑडियंस। सर आज तो बहुत मजा आ रहा है, आप सब लोग बहुत ही अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सब लोगों ने मुझे लिखा, मुझे 30 पैसे मिलते हैं, अच्छा, वेरी गुड, 1 करोड़, वेरी गुड, थैंक यू। देखिए, आप दोनों बातें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप यहाँ पर लाइफ टाइम इनकम चाहिए तो लाइफ टाइम की तरह आप काम करें, क्योंकि ये बिजनेस है, ये 100% प्योर बिजनेस है, ठीक है ना? ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई
ऐसा कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप यहाँ पर इतने रुपए लगा रहे हो तो इतने आपको कल से आने लग जाएंगे या फिर एक साल के अंदर आप इतने कमा लोगे। ये लाइफ टाइम पैसिव इनकम कमाने का एक तरीका है। ठीक है, थैंक यू सीजे स्पार्कलिंग, थैंक यू सो मच। तो देखिए, अगर अगर आप मैं समझता हूँ कि आपके 100% में से शायद 100% लोगों ने मेरे को ये बताया कि लाइफ टाइम इनकम कमाना चाहते हैं या पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई किसी आदमी से आप पूछते हैं कि आप यहाँ पर पॉकेट मनी कमाने आए हैं या फिर लाइफ टाइम इनकम कमाने कैरियर बनाने के लिए आए हैं, तो नेचुरल बात है वो 100% यही बोलेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, आप किसी से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाला छात्र है, कोई 18 साल से बड़ा है लेकिन वो अभी कमाता नहीं है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, तो उसको आप पॉकेट मनी भी हो सकता है कि वो कह दे कि मैं तो भैया 10,000 रुपये महीने के आ जाए, 8,000 रुपये आ जाए तो बहुत है। तो उसको आप ये पहला रैंक बता सकते हैं कि आप यहाँ पर एक बार शॉपिंग कर सकते हैं 2,000 रुपये तक की, उसके बाद पूरे साल आपको आज़ादी मिल जाती है, पूरे एक साल तक आपको कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जब भी मेहनत करते हैं आपको जब भी 3 लाख पॉइंट वैल्यू लेफ्ट और राइट से आएंगे आपको 1,321 रुपये आते रहेंगे। ठीक है, और उसमें आप कितना कमा सकते हैं आप खुद बताएं मेरे को। अगर ये एक आदमी सिर्फ 1,321 रुपये कमाने के लिए आया है और उसकी मैचिंग महीने में 30 में से 10 बार भी हो जाती है, मैं एवरेज मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, 10 बार भी वो अगर मैचिंग कर लेता है तो 10,000 रुपये कमा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 13,000 रुपये कमा लेगा, और बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बड़ी टीम बना के काम कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20,000 रुपये कमा लेगा, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा क्योंकि उसकी लेवल ही 1,321 का है, इसके ज़्यादा वो कमा ही नहीं सकता। तो अगर कोई पॉकेट मनी कमाने के लिए आता है तो उसको हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर 1,321 रुपए की मैचिंग आती है, आपको सिर्फ 2,000 की शॉपिंग करनी है, एक टूथपेस्ट और एक टूथब्रश लेके भी आप शुरुआत कर सकते हो, आपका कोई लॉस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि वो आप घर पे यूज कर लोगे। ठीक है, और अगर आप डेडिकेट होके काम करते हो तो 10,000 से लेकर 20,000 तक की आपको पॉकेट मनी आती रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक अच्छा बिजनेस करने के लिए आए हो, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम इनकम कमाना चाहते हो अपने लिए भी और अपने आने वाली 2 जनरेशन के लिए भी, तो यहाँ पर आपको बिजनेसमैन माइंडसेट से आना पड़ेगा। बिजनेसमैन की कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले क्या देखता है आप बताएं मेरे को, सबसे पहले कोई भी दुनिया का बिजनेस शुरू करने से पहले आदमी क्या देखता है कि इसमें लागत कितनी लगेगी, इन्वेस्टमेंट कितनी, राइट? तो हम कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, राइट? वेरी गुड जितेश, इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, लेकिन एक शॉपिंग को आप कह सकते हैं कि ये टारगेट है कि अगर आप शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको पॉइंट वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन हमेशा आरओआई देखता है कि मैंने कितना लगाया और कितना पाया, राइट? आप में से कुछ बिजनेसमैन भी होंगे तो आपको जानते इस बात को समझते होंगे अच्छी तरह से, कितना लगाया मैंने और कितना इनकम आ रही है, तो उस पॉइंट से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आप सेकेंड लेवल पे आते हैं एजेंट के लेवल पे, तो आपको मिनिमम 3 लाख पॉइंट वैल्यू चाहिए अपनी शॉपिंग से, उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है कि एक ही दिन के अंदर आपको करने हैं, उसके लिए शॉपिंग आपको चाहिए करीब करीब 45,000 रुपए, राइट? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। 40,000 से 50,000 के बीच में आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी चॉइस का लेते हैं तो आपको लगभग 3 लाख पॉइंट वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोई फिक्स नहीं है, तो लगभग हम लेके चलते हैं 45,000 की शॉपिंग आपने कर ली। अब ये इसमें कोई ये रूल नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको एक ही दिन में करनी है या फिर एक हफ्ते में करनी है या एक महीने में करनी है, ये आप कितने भी टाइम लेके कर सकते हो। आप हर महीने 5,000 की शॉपिंग करके 9 महीने में भी कर सकते हो, आप हर महीने 10,000 करके 4-5 महीने में भी कर सकते हो, आप हर महीने 15,000 करके आप 3 महीने में भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और बहुत से लोगों ने इसको वन शॉट में भी कर दिया, जैसे मैंने वन शॉट में कर दिया, इकट्ठे 45-50,000 का माल मैंने मंगा लिया तो मैं सीधा 3 लाख पॉइंट वैल्यू से एजेंट बन गया। अब उसमें रीजन क्या था करने का कि यहाँ पर आप जितनी मेहनत करोगे ऊपर वाले रैंक पे उतनी ही मेहनत यहाँ पे करनी, उससे ज्यादा बड़ी टीम नहीं बनानी। अगर यहाँ पर आपकी टीम 10 लोगों की है तो यहाँ पर भी 10 लोगों की है। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स। तो जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप जवाब देना और बीच में थोड़ा सा आप अटेंटिव होके सुने तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने ये सोच के किया था कि मैं यहाँ पर लाइफ टाइम इनकम कमाने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ 1,321 रुपए एक बार मैचिंग लेके 10-15-20,000 रुपए कमाने के लिए नहीं आया था। मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, मैंने इसलिए काम किया था कि मुझे कम से कम 1 लाख रुपए महीना चाहिए। आप सब लोग भी ये चाहते होंगे 1 लाख रुपए महीना कम से कम। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक ही शॉट में, जैसे ही कंपनी यहाँ पर 11 नवंबर को ओपन हुआ तो मैंने एक ही ऑर्डर लगाया सीधा, 48,000 के आसपास मेरा बिल बना था, तो मेरे को 3 लाख पॉइंट वैल्यू पहले दिन से मिल गए, आई क्वालिफाइड फॉर एजेंट।
तो जब एजेंट रैंक बन गया तो तब भी मैंने उतनी ही मेहनत करनी थी जितना मैं पहले कर रहा था, जितनी टीम मेरी पहले थी उतनी टीम यहाँ पे भी थी, लेकिन फर्क ये हो गया कि जहां पर मुझे उतनी ही मैचिंग पे 1321 रुपए मिल रहे थे, अब मेरे को लगभग 4000 रुपए की इनकम आई। तो आप बिजनेसमैन की तरह सोचे तो आपको 4000 रुपए चाहिए या फिर 1321 रुपए चाहिए? उतने ही काम करके, उतने ही लोगों से बात करके, उतने ही प्रोस्पेक्टिंग करके, उतने ही ज्वाइनिंग लगा के आपको 4000 रुपए भी मिल सकते हैं और 1321 भी मिल सकते हैं। तो समझदार आदमी ये कहेगा कि मुझे 4000 रुपए चाहिए। तो 4000 रुपए के लिए कि आपको, अगर इसको हम शॉपिंग कह लें या इन्वेस्टमेंट कह लें या फिर कुछ परचेजिंग कह लें, आपको लगभग 40-50,000 के बीच में आपको शॉपिंग करनी है। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप एक बार में कर लें या फिर आप 2-3 बार में, 5 बार में भी कर सकते हैं। जब भी आपका 3 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाएगा उस दिन से आपकी जो मैचिंग है वो 4000 की हो जाती है। तो 4000 की मैचिंग अगर आप महीने में उसी तरह से 10 बार भी मैच करते हैं तो लगभग 40-50 हज़ार रुपये की आपकी इनकम आने लग जाती है। मैं समझता हूँ कि स्टार्टिंग जो है 40-50 हज़ार रुपये की इनकम अच्छी इनकम मानी जाती है, इतना लगभग एवरेज सैलरी पे भी हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको इसी मैचिंग में, अगर आप महीने में 25 बार भी मैच करा लेते हैं जो मैक्सिमम है, तो आपको लगभग 1 लाख रुपये महीने कमाने का मौका मिल जाता है। तो आपकी, आपके ये इन्वेस्टमेंट है या शॉपिंग है या जो भी है, लेकिन आप यहाँ पर जितने लगाया आपने लगभग उतना ही आप यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, वो भी हर महीने। मिनिमम की बात करें तो 45,000 आपने लगाया तो लगभग 45,000 हर महीने आपकी इनकम आ सकती है अगर आपने मेहनत से काम करी तो। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपकी सैलरी लग गई है 45,000 रुपए की, लेकिन आपके काम करने के, आपके मेहनत के ऊपर, आपके टीम के कितना आप टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कमाया जा सकता है, राइट? बहुत लोग कमा भी रहे हैं। अब अगले लेवल पे बढ़ते हैं जो कि है स्पेशल एजेंट। हमारा जो पहला गोल है वो ये होना चाहिए कि कम से कम मुझे स्पेशल एजेंट तक पहुंचने के लिए काम शुरुआत कर देनी चाहिए। शुरुआत में मैं नहीं कह रहा कि स्पेशल एजेंट पहले दिन में ही बन जाओ, आप सीधा एजेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप सेल्स रैप से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपका पहला गोल होना चाहिए कि मेरे को स्पेशल एजेंट बनना है। क्यों? क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल जो है वो है मास्टर, सारी कंपनी की जितनी भी इनकम है वो सारी लेना चाहता हूँ। कंपनी मुझे 3 तरह की इनकम दे रही है तो मैं 3 तरह की लूँ, मैं 1 तरह की इनकम क्यों लूँ? बाकी 2 क्या किसी और के लिए रखी हुई है कंपनी? मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, जी जान से मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे को सारी की सारी इनकम चाहिए। कंपनी के आपको फुल फ्रीडम दे रही है कि आप ये तीनों इनकम लेने के लिए हकदार हो, बशर्ते कि आपका रैंक जो है वो स्पेशल एजेंट का होना चाहिए। आप 3rd रैंक पे पहुंच जाइए, एक बार में नहीं तो धीरे धीरे करके आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए। उसको आपको, आपको चाहिए 7 लाख पॉइंट वैल्यू। 7 लाख पॉइंट वैल्यू के लिए लगभग 1 लाख के अराउंड आपकी शॉपिंग हो जानी चाहिए। वो एक दिन में नहीं करने को कह रहा मैं, लेकिन जब आप 40-50,000 के आसपास यहाँ पर शॉपिंग कर लेंगे तो वैसे ही आप धीरे धीरे करके आप 1 लाख तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? ये सारा शॉपिंग के बदले आपको क्या मिल रहा है? आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कोई आपके इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। आप मेरे को एक बात बताएं, अगर आपने मुझे 100 रुपए दिए और मैंने आपको उसके बदले 100 रुपए का सामान दे दिया, तो ये आपकी शॉपिंग हुई या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट? आपने कहीं इन्वेस्ट तो नहीं करे? जितने आपका आपने सामान, जितने का आपको सामान मिला उसने के आपके पैसे दिए, राइट? तो ये आपकी शॉपिंग है, आपका और कंपनी का डील वहीं पे खत्म हो गया जब आपने शॉपिंग कर, क्योंकि आपका उतने वैल्यू का सामान मिल गया। कुछ आपका कुछ रोका नहीं है कंपनी ने कि इतना मेरे पास डिपॉजिट रहना चाहिए या इतना आपको बाद में हम देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बदले आपको हम आपका ही पैसा रिटर्न करते रहेंगे हर महीने किश्तों। तो वो चीज होती है इन्वेस्टमेंट कंपनी में, यहाँ पर आपको शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग आपकी जब भी 1 लाख रुपए के आसपास का पहुंच जाएगा, ये फिक्स नहीं है, 1 के 1.25 लाख भी हो सकता है, 1 के आप 80,000 में भी हो सकता है, लगभग आपको तब आपको 7 लाख पॉइंट वैल्यू मिल जाएंगे और आपका रैंक हो जाता है स्पेशल एजेंट का। इसके बाद आपको कंपनी की सारी इनकम कमाने का मौका मिल जाएगा। पहली इनकम जो जनरल मैचिंग की कमीशन है वो आपकी बढ़ के हो जाएगी मैचिंग आपकी 8,000 रुपए, अगर बशर्ते कि आपका मैचिंग जो है पर डे का 7 लाख पीवी का आ रहा हो दोनों साइड से। अगर आपका 3 लाख पॉइंट वैल्यू का मैच कर रहा है तो आपको 4,000 के हिसाब से कमीशन मिलेगी, अगर आपको 7 लाख पॉइंट वैल्यू की मैचिंग आ रही है तो आपको 8,000 के हिसाब से मैचिंग, ठीक है? वो आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपका 7 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होता है तो आपको 8,000 की पॉइंट वैल्यू मिल जाते हैं, 8,000 की कमीशन मिल जाती है। सेकंड, आपको यहां से दूसरी इनकम स्टार्ट हो जाती है जो कि है मास्टरशिप बोनस, अगर आप यहां पर आने के बाद क्वालिफाई करते हैं सेल्स मास्टर की रैंक।
क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए पहला क्वालिफिकेशन जो है वो आपका स्पेशल एजेंट का रैंक का होना है, डीए डीलरशिप आपको चाहिए। जब आप स्पेशल एजेंट बनते हैं तभी आप इसके लिए कर सकते हैं, इसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे को सेल्स मास्टर का एक साइकिल के अंदर मुझे सेल्स मास्टर का रैंक हासिल करना है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो आपको कल बता चुका हूँ। 25 लाख पीवी लेफ्ट और राइट आपके होते हैं तो आप सेल्स मास्टर बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहला यहाँ पर आपको स्पेशल एजेंट होना जरूरी है। तो जब भी आप सेल्स मास्टर बनते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं तो आपको हर महीने लगभग 30,000 रुपए का मास्टरशिप बोनस भी मिल रहा है। ये 30 के 32 भी हो सकता है, 30 के 35 भी हो सकता है, 30 के 28 भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। क्योंकि ये कैलकुलेशन कैसे होता है आपको पता है, उसके लिए अगर आपको नहीं पता तो आप अपने सीनियर से भी पता कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन जो है वो डिपेंड करती है कि उस साइकिल में कितनी कंपनी की टोटल सेल हुई है और कितने सेल्स मास्टर हैं, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं अपने फॉर्मूला से। तो ये एवरेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30,000 के आसपास मास्टरशिप भी बोनस मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जब सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपको ये राइट मिल जाता है कि आप अपना खुद का एजुकेशन सेंटर भी खोल सकते हैं। अगर आप खोलते हैं, ऑप्शनल है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप खोलना चाहें तो एक एजुकेशन सेंटर भी खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका सेल्स मास्टर होना जरूरी है। अगर आप सेल्स एजुकेशन सेंटर खोलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 6% का भी ये इनकम आने लग जाती है, जो तीसरी इनकम। तो जब आपकी तीनों इनकम आती है, तीनों मिला के अगर हम वही कैलकुलेट करें कि लगभग आपका 10 बार या 20 बार भी मैच हो रहा है, 15 बार भी मैच हो रहा है महीने में, तो आपको सेल्स मास्टर की इनकम भी एक बार आ रही है या फिर 2 बार आ रही है महीने में। हो सकता है कि आपका किसी 15 दिन में मैच हो रही हो, आपके हो सकता है कि अगले 15 दिन में मैच ना हो, उससे अगले 15 साइकिल में मैच हो जाए, और आपको 6% भी आपको रेगुलर आता है। तो सब मिला के अप्रोक्सीमेटली आप 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच की इनकम के हकदार। तो ये एक बहुत अच्छा इनकम माना जाता है और एक स्टेबल इनकम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप आके आपको एक अच्छी 6 फिगर की इनकम कमाने लग जाते हैं। और लगभग आप हर रैंक पे कैलकुलेट करें तो जितना आपने लगाया है शॉपिंग में, लगभग उतने ही आपको हर महीने मिलते हैं। तो आपका कहीं पैसा डूबा भी नहीं है, आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर वो वापस भी आ जाता है, 1 महीने में भी 2 महीने में भी वापस भी आ जाता है। और आपके प्रोडक्ट तो आपके घर पे है ही, वो आपके फ्री हो। तो जब भी आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेंगे तो आपको 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ये सारे कंडीशन है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं सेल्स मास्टर और आप एजुकेशन सेंटर खोलते हैं, तो आपको लगभग इतनी इनकम कमा सकते हैं। ये पोटेंशियल आप कमाते हैं नहीं कमाते हैं वो आपके अपने अपने एफर्ट्स हैं। अगला जो है रैंक वो है डीलर का रैंक। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी कैपेसिटी है। अगर आप डीलर रैंक से स्टार्ट करते हैं या फिर जब आप स्पेशल एजेंट हैं तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा तरीका भी आपको मैंने बताया था कल। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिया नंबर 1 जो भी है आप लिख रहे हैं, स्वदेशी फॉर देशी जो भी है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अगर आप डीलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए 2 रास्ते हैं, हर चीज के लिए 2 रास्ते आपको कल भी बताए थे। 15 लाख पॉइंट वैल्यू आपके सेल्स के होते हैं तो भी आप डीलर बन जाते हैं, और अगर आप पिछली रैंक पर हैं, स्पेशल एजेंट हैं, और आपके 1 महीने के अंदर 30 लाख पॉइंट वैल्यू लेफ्ट और राइट पूरे 1 महीने की टर्नओवर हो जाती है तो भी आप डीलर के रैंक को क्वालिफाई कर लेते हैं, राइट। तो ये दोनों रास्ते में से कोई भी आप रास्ते से आप डीलर रैंक क्वालिफाई करते हैं तो लगभग अगर शॉपिंग से करते हैं तो आपको 2.5 लाख के आसपास आपकी इनकम हो जाती, आपकी शॉपिंग होनी चाहिए। लगभग 2.5 लाख के शॉपिंग पे आपको 15 लाख पॉइंट वैल्यू मिल जाते हैं, और ये 2.5 लाख की शॉपिंग न्यू नहीं है, इसमें ऑलरेडी आप 1 लाख की शॉपिंग कर चुके हो, उसी 1 लाख के अंदर आपने 1.5 लाख की और शॉपिंग कर ली। पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी भी आप करते करते वहां तक पहुंच जाओगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कभी ना कभी आप कर ही लोगे। क्योंकि हम पिछले जब से हम पैदा हुए हैं तब जब से हमने कमाने लगा है, जब से हमने शॉपिंग करनी शुरू करी है, तो आप लगभग लाखों करोड़ों की शॉपिंग कर चुके हो, आपने हिसाब नहीं लगाया होगा, लेकिन हर महीने आप जो करते हो वो कई सालों में जाके इतना हो जाता है। उसी तरह से जो आगे आप अगर वो उसको पॉइंट वैल्यू में कैलकुलेट करते रहोगे तो आप 2.5 लाख की पॉइंट वैल्यू, 2.5 लाख के शॉपिंग में आप 15 लाख पॉइंट वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो जब भी आप यहाँ पर रिले रैंक पे हासिल कर लेते हैं तो आपका जनरल मैचिंग कमीशन 8,000 से डबल होकर 16,000 रुपये हो जाता है, अगर आपका 15 लाख पॉइंट वैल्यू लेफ्ट से और राइट से आता है तो। अगर आपका 7 लाख पॉइंट वैल्यू लेफ्ट और राइट से आता है तो आपको 8,000 ही आएगा। अगर आपका पॉइंट वैल्यू मैच करता है 3 लाख पॉइंट वैल्यू एक दिन के अंदर दोनों साइड से तो आपको 4,000 आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर समझ लीजिए, मैं आपको कोई कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। जितने भी लेवल पे आप हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद आप ये तीनों इनकम लेने के हकदार बन जाते हैं। अगर आपकी मैचिंग कितनी हो रही है वो देखती है कंपनी, 3 लाख की मैचिंग हो रही है तो 4,000 रुपए मैचिंग,
7 लाख की मैचिंग एक दिन में हो रही है तो आपको 8,000 की मैचिंग मिलेगी, कमीशन मिलेगी, और 15 लाख की मैचिंग हो रही है तो आपको 16,000 रुपए की कमीशन मिलती है, राइट। और यहाँ पर आपके आने के बाद आप टारगेट कर सकते हैं, आप गोल सेट कर सकते हैं कि मैं ऑलरेडी सेल्स मास्टर हूँ, अब मुझे अपने जैसे 2 लोगों को सेल्स मास्टर क्वालिफाई कराना है अपनी दोनों टीमों में, लेफ्ट से और राइट से 2 लोगों को, तो आप यहाँ पर डायमंड मास्टर बन सकते हैं। अगर आप सेल्स मास्टर हैं तो आपको ये इनकम आती रहेगी मास्टरशिप की जो पहले आपको आ रही थी, लेकिन अगर आप डायमंड मास्टर बन जाते हैं तो उसके लिए पहला क्वालिफिकेशन आपको बताया मैंने डीलर होना जरूरी है, जो आप कर चुके हैं। और डायमंड मास्टर बनने के बाद आपका लगभग 50,000 के अराउंड आपका मास्टरशिप बोनस भी बनता है। ये हर 15 दिन का लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देना, ये सिर्फ 15 दिन का है, ये महीने में आप 2 बार कमाते हैं, राइट। तो लगभग 50,000 है, 45 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उस साइकिल में कितना कंपनी का टर्नओवर है, राइट। तो मैंने यहाँ पर राउंड फिगर लिखा हुआ है, लगभग 50,000 का आपको डायमंड मास्टर बनने के बाद मास्टरशिप बोनस भी आता है, 6% आपको रेगुलर आ रहा है क्योंकि आप एजुकेशन सेंटर लीडर हैं, तो लगभग इन सबको मिला के आपका महीने का जो इनकम बैठता है वो 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में बैठेगा, जो कि ऑलरेडी हमारे डायमंड मास्टर को आ रहा है, जो हमारे सीनियर हैं मिस्टर रजी जाफरी, और भी हमारे आपकी जो आपके आपके अपने अपलाइन होंगे, आपके अपने अपने सीनियर्स होंगे जो भी डायमंड मास्टर को आप जानते हैं, लगभग उनसे आप पूछेंगे तो 3 लाख से 5 लाख के बीच में उनका मंथली इनकम आता है, राइट। अब लगाए कितने थे, उतने ही 2.5 से 3 लाख रुपए लगाए थे और उतने ही आपको मंथली मिल रहे हैं, तो आप 1 महीने 2 महीने के अंदर आप अपने आप रिटर्न वापस ले लेते हैं और आपके प्रोडक्ट जो है वो फ्री है। अगला रैंक जो है, आखिरी रैंक जो है, हाईएस्ट रैंक है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। उसके लिए आपको मिनिमम 24 लाख पॉइंट वैल्यू चाहिए अपनी आईडी पे। 24 लाख पॉइंट वैल्यू आप एक साथ नहीं करना, आपको धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचना है, क्योंकि आप 15 लाख पॉइंट वैल्यू पहले ही कर चुके थे, उसी के अंदर 9 लाख पॉइंट वैल्यू और ऐड करेंगे तो आपको 24 लाख पॉइंट वैल्यू मिल जाएंगे। उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, पूरी जिंदगी में आपके सामने पड़ी है, पूरी जिंदगी में कभी भी आपके टोटल शॉपिंग लगभग 4 लाख रुपए के आसपास हो जाती है, 4 के 4.5 भी हो सकते हैं, 4.25 भी हो सकती है, 4.25 भी हो सकती है, राउंड फिगर 4 लाख मान के चलते हैं, तो आपको लगभग 24 लाख टीवी की आपका आपकी आईडी पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और आप ईडी बन जाते हैं। इसके बाद से आपको आजादी मिल जाएगी, पूरी जिंदगी के लिए आप आजाद है। अब आपको कोई शॉपिंग करनी है तो करो, नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पॉइंट वैल्यू की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको क्वालिफाई कुछ करना है, तो हमेशा आप यहाँ पर ईडी ही रहेंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो 24 लाख पॉइंट वैल्यू आपके 4 लाख शॉपिंग से आ गए। अब आप जो जनरल मैचिंग कमीशन है वो यहाँ पर इस रैंक के बाद आपको 4 लेवल की इनकम मिलती है। आपने कल देखा होगा जो लास्ट हमने किया था कंपनसेशन प्लान, यहाँ पर भी 4 लेवल की इनकम है। अगर आप पहले लेवल पे हैं तो 24,000 की आपकी मैचिंग आती है, और आप हाईएस्ट रैंक पे हैं तो आपको 80,000 की मैचिंग आती है, राइट। तो लगभग आप 24,000 से लेकर 80,000 के बीच में कमा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एक दिन की मैचिंग कितनी हो रही है। मिनिमम मैचिंग 24,000 की है, इससे भी कम होती है तो आप ये तो कमाई लेंगे 16,000 रुपए, उससे भी कम हो रही है 7 लाख की मैचिंग तो आप 8,000 कमाएंगे, उससे भी कम अगर आपकी एक दिन की मैचिंग हो रही है तो आप 4,000 कमाएंगे, इससे कम नहीं कमाएंगे आप। जब तक आपके 3 लाख नहीं होते तब तक आपको 4,000 आपके लिए कंपनी वेट करती रहेगी, और जिस दिन आपके 3 लाख हो गए आपको 4,000। लेकिन अगर आपकी टीम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छी हो चुकी है, जो कि नॉर्मली हो जाती है, तो आप यहाँ पर 24,000 से लेकर 80,000 के बीच में पर डे की मैचिंग ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर आने के बाद जब आप ईडी बन जाते हैं तो शेरोन रोज मास्टर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जो पहला रैंक है यहाँ पर, और शेरोन रोज मास्टर के बाद आगे के रैंक जो है उन सबके लिए भी ईडी की ही क्वालिफिकेशन चाहिए। वो आपने कल समझ लिया कि कैसे कैसे बनते हैं, और शेरोन रोज मास्टर से लेकर आप इंपीरियल मास्टर तक जा सकते हैं। जब आप शेरोन रोज मास्टर बनते हैं तो आपकी मंथली जो मास्टरशिप बोनस बनता है 15 दिन का, वो बनता है 1.5 लाख रुपए के अराउंड बनता है, और हाईएस्ट जब आप इंपीरियल मास्टर बन जाते हैं तो लगभग आपका 35 लाख से ऊपर आपका बनता है मास्टरशिप बोनस, ठीक है। और तीसरी इनकम फिर भी आपको आती रहेगी क्योंकि आप एजुकेशन सेंटर लीडर हैं। तो इन सबको अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग एक ईडी जो है वो 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कमा सकता है 1 महीने। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा चार्ट जो है, बिकॉज बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आपको समझाना, आपको सब माइंडसेट जो है आपका बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है इस चीजों के लिए। तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। मैंने आपको सबसे पहले एक सवाल पूछा कि यहाँ पर आप पॉकेट मनी कमाने आए हैं या फिर आप ये लाइफ टाइम मनी कमाने आए हैं। तो अगर आप पॉकेट मनी कमाने आते हैं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बिजनेस माइंडसेट से आए हैं तो मिनिमम मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मिनिमम कम से कम
कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। चलिए आज आप बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेरा मन कर रहा है आपसे बातचीत करने का। मैं आपको एटॉमी को एक साइड पे रखते हैं, आप कोई भी दुनिया का बिजनेस ऐसा बता दो जो 1,00,000 रुपए से कम में स्टार्ट होता हो, ऐसा कोई बिजनेस है क्या? या मिनिमम कितना लगता है एक कोई भी छोटा सा छोटा धंधा शुरू करने में, मिनिमम कितना इनकम लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, एक बार आप बताएंगे लिख के? सर ये बताइए कि कितना लगता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए कोई भी एक अच्छा काम आप करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सड़क पर बैठ के तो काम नहीं करना चाहते, आप अच्छा का लेवल का ही काम करेंगे जिस लेवल के आप हैं। वेरी गुड, 5,00,000, 1,00,000, 3,00,000, अरे बाप रे, 2 से 3 लाख, 10,00,000, अरे बाप रे, 50,000, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 70-80 हज़ार भी लोग लिख रहे हैं, 10 लाख भी लिख रहे हैं, 1 करोड़ भी लिख रहे हैं, 45 लाख भी लिख रहे हैं, 7-8 लाख भी लिख रहे हैं। अलग अलग देखो, सबके अपनी अपनी एक थिंकिंग है, सबकी अपने अपने चॉइस है और सबकी अपनी कैपेसिटी भी है। आप कितना लगा सकते हैं वो आपकी अपनी अंदर कैपेसिटी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपके सबके मैक्सिमम कमेंट्स जो हैं वो लगभग मैं लेके चलता हूँ एवरेज 2 से 3 लाख के बीच में है, 1 लाख भी हैं कुछ, चलो 1 लाख मान लेते हैं, बहुत ही कम अगर लेके चलें, मिनिमम 1,00,000 रुपीज मान लेते हैं ज्योति जी कह रही हैं। तो अगर 1,00,000 या 2,00,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट करने में आपको रिस्क महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा रिस्क है, आप जैसे अजीज मिस्टर अजीज लिख रहे हैं कि ये रिस्क है, तो कोई भी आप 1,00,000 रुपए भी लगा के भी अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको 4 बार सोचना पड़ रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये डूब तो नहीं जाएंगे, और आजकल तो सोचना लाजमी है। क्यों? क्योंकि आजकल लॉकडाउन इतना लगा पड़ा है, हर जगह लॉकडाउन है, हर जगह पाबंदी है, 1 बजे से 1 बजे तक आप दुकान खोल सकते हो, आप इतने लोगों को से ज़्यादा आप बैठा नहीं सकते अपने रेस्टोरेंट में, इतने लोगों से ज़्यादा आप जा नहीं सकते, हर इतने शहर में नहीं जा सकते, तो ये सारी पाबंदियों को देखते हुए, और ये कोरोना जो है ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है सर, ये आप हाँ बिल्कुल सही लवली जी कह रहे हैं, अगर स्टूडेंट हो तो 45,000 कैसे लगाएगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इतने लगाने जरूरी हैं, मैं आपको एक आसान रास्ता भी कह रहा हूँ कि अगर आप आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो देखो पैसे नहीं है तो इसका इंतजाम किया जा सकता है। मैं वो कैसे किया जाता है उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहता, वो लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन इंतजाम किया जा सकता है। लोगों के पास पैसे नहीं थे फिर भी लोगों ने 1,00,000 रुपए के सिलेंडर खरीदे हैं, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं, 1-1.5 लाख रुपए के इंजेक्शन भी खरीदे हैं, 30,000-50,000 का इंजेक्शन खरीदा है, उनको उसके बदले कुछ इन्वेस्टमेंट में के बदले कुछ रिटर्न नहीं आ रहा था, लेकिन अपनों की जान बचानी जरूरी थी इसलिए लोगों ने खरीदे हैं। तो देखो मजबूरी होती है तो कहीं ना कहीं से आदमी इंतजाम कर लेता है, लेकिन पहली बात यह है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि ये जरूरी है, मजबूरी और जरूरी ये दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। मजबूरी में तो आदमी काम कर लेता है, कुछ भी कर लेगा, मेरे पास अगर 10 रुपए नहीं है मेरे जेब में और मेरे एक्सीडेंट हो जाए, डॉक्टर बोले कि आपकी टांग काटनी पड़ जाएगी, नहीं तो 1,00,000 रुपए लेकर आओ, तो मैं कहीं ना कहीं से 1,00,000 रुपए ला दूंगा लेकिन टांग नहीं कटवाऊंगा, राइट? तो डेट इज योर मजबूरी, लेकिन जरूरी आप उसको समझते हैं जो जिसमें आपको विश्वास, जिसमें आपको भरोसा हो कि हाँ ये जरूरी है और ये गलत नहीं कर रहा हूं मैं। तो आपका सबसे पहले विश्वास होना जरूरी है। अगर आपको ये विश्वास है कि मैं यहाँ पर 45,000 रुपए की शॉपिंग करके हर महीने 40-50,000 रुपए आराम से कमा सकता हूँ, चाहे पहले महीने से नहीं, दूसरे महीने से नहीं, 3 महीने के बाद 4 महीने बाद 6 महीने बाद मेरे को हर महीने आने लग जाएंगे, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए आदमी को। कंपनी के ऊपर तो आपको हो चुका होगा क्योंकि आप 3 दिन से यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हर चीज की जानकारी आपको मिल चुकी है, तो अपने ऊपर विश्वास आपका होना जरूरी है। तो आप यहाँ पर एजेंट रैंक से स्टार्ट करें। अगर फिर भी मजबूरी कोई ज्यादा जेन्युइन है, आपके पास नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एडवाइस ये नहीं कहूंगा कि 2,000 रुपए से ही आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका पहला गोल जो है वो एजेंट बनना है, ठीक है? आपका पहला गोल जो है वो 3,00,000 पॉइंट वैल्यू लेना है। अब वो आप उसके लिए आपको जो 3,00,000 पॉइंट वैल्यू चाहिए वो 1-1,00,000 पॉइंट वैल्यू करके भी आप ले सकते हैं, अगर आप वाकई में वहां तक जाना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 10,000 से ही स्टार्ट करें, आप 10,000 से स्टार्ट मत कीजिए, आप कम से कम 1,00,000 पॉइंट वैल्यू से स्टार्ट कीजिए, और अपने सीनियर के साथ बैठिए, उसको बोलिए कि मैं 3 महीने के अंदर 3,00,000 पॉइंट वैल्यू करूंगा, तो धीरे धीरे करके मैं वहां तक पहुंचूंगा। इस तरह से भी आप किया जा सकता है, राइट?
लेकिन एक स्मार्ट बिजनेसमैन अगर आप करना चाहते हैं, अभी आपसे मैंने सवाल पूछा, आप सब लोगों ने बताया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है कोई भी हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर शुरू करने के लिए 1,00,000 रुपए कम से कम चाहिए। 1,00,000 से लेकर लोगों ने 1,00,000 तक बोल दिया मुझे, राइट। तो मिनिमम 1,00,000 रुपए आपको चाहिए चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप 50,000 के अंदर अंदर शुरू कर सकते हैं। तो ज्यादा सस्ता क्या, दूसरा फायदा क्या है कि वहां पर आपको खाली लगाना है, आपको उसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपका जो गया वो गया, लेकिन यहाँ पर आपका जो लगा रहे हैं ये कितनी बार कर सकते हैं, 7,00,000 पड़ी टीवी। अभी बताता हूँ सर आपको, तो मेरी बात पूरी खत्म होनी दीजिए पहले। वहां पर आपने 1,00,000 रुपए लगाया, 2,00,000 रुपए लगाया, 5,00,000 रुपए लगाया, तो उसका कोई विश्वास नहीं है कि वापस आ जाएगा या डूब जाएगा, क्योंकि वो आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर इमिजिएटली आपको एट ए टाइम, जैसे ही आपने दिया, अगले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ही आपके पास उतने का प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इस पैसे को भी बचाना चाहते हैं तो आप दूसरा एक और रास्ता अपना सकते हैं कि आपने 50,000 रुपए का सपोज करो सामान मंगाया, उसमें से 1-2 चीजें आप घर में यूज करो, वो यूज करने भी जरूरी है, बाकी आप रिटेल कर सकते हो। रिटेल करके भी आपको सारा पैसा वापस आ, आप करिए ना रिटेल, आपको इतने ज्यादा आपको बिजनेस करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कैपेसिटी है, तो आप थोड़ा सा सेल भी कीजिए ना, आप रिटेल कीजिए, बेच के दिखाइए माल, ठीक है। जब आप बेचेंगे तो आपको पूरा पैसा वापस भी आ जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट वापस आ गया, साथ में आपका जो रैंक मिल गया ये जिंदगी भर के लिए, राइट। अभी सवाल पूछ रहे थे कि 7,00,000 आपको हर महीने नहीं करना, 7,00,000 पॉइंट वैल्यू, एक बार आपका 3,00,000 पॉइंट वैल्यू हो गया वो जिंदगी भर के लिए हो गया। उसके बाद आप पूरे महीने, पूरे एक साल भी अगर आप सिंगल प्रोडक्ट भी लेते हो जिसपे पॉइंट वैल्यू मिलते हैं तो भी आपकी आईडी, कल मैंने बताया था, एक्टिव रहे। उसके बाद आपको शॉपिंग अगली रैंक पे पहुंचने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, आप वहां पर रह के भी काम कर सकते हो। लेकिन किस रैंक पे कितनी इनकम आती है वो मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट करके, कि यहां तक पहुंचने से पहले पहले, स्पेशल एजेंट बनने से पहले पहले आपको एक ही इनकम आएगी, जनरल मैचिंग कमीशन, बाकी दोनों इनकम आपको नहीं मिल सकती। उसके लिए मिनिमम आपका इस लेवल को अचीव करना जरूरी है जो कि है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट बनने के बाद कंपनी की तीनों इनकम आप ले सकते हो, चाहे आप जनरल मैचिंग कमीशन आती है, मास्टरशिप बोनस भी ले सकते हो, एजुकेशन सेक्टर भी ले सकते हो, ये मिनिमम क्राइटेरिया, राइट। उससे पहले भी आप कमा रहे हो, लेकिन कम से कम इस लेवल से तो स्टार्ट करो कि एक आपको एक बिजनेसमैन हम भी कह सकें, आपको हम एक पार्ट टाइम या फिर पॉकेट मनी कमाने के लिए हम नहीं कह रहे, हम आपसे कह रहे हैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेसमैन को कम से कम इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं कम से कम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए 40,000-50,000 रुपए का सामान खरीदता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर एजेंट रैंक मिलती है और मेरे को हर मैचिंग पे 4,000 रुपए आते हैं, वो आप महीने के अंदर 10 बार भी मैच कर लेंगे तो आपको उतना वापस भी आ जाए, राइट। एक बार नहीं होगा, हो सकता है पहले महीने आपकी 2 मैचिंग आए, उससे अगले महीने 3 मैचिंग आए, लेकिन धीरे धीरे आपके 5, 10, 8, 10, 12 मैचिंग होने लग जाएगी महीने की, हर हफ्ते आप 2-3 बार मैच करने लग जाओगे, तो आप आराम से उतना पैसा वापस कमा सकते हैं। और ये जिंदगी भर के लिए है, इसमें कोई आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। और ये ऊपर देखो मैंने लिखा हुआ है शॉपिंग एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब कि ये जुड़ते क्रम में होता है। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही मैं हिंदी बता देता हूँ, ये एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जुड़ते क्रम में, मतलब कि जब आपका 2,000 की शॉपिंग हो गई उसके बाद आपको 45,000 नए नहीं करने, वो 2,000 आप इसमें से घटा दीजिए, बाकी के आप 45,000 और ऐड कर दीजिए, मतलब 45 में से 2,000 घटा के बाकी की शॉपिंग कर लीजिए। और जब आपकी टोटल शॉपिंग मान लो 50,000 की हो चुकी है, आपको 1,00,000 नए नहीं करने, 1,00,000 के लिए आपको पुराने प्लस नए मिला के 1,00,000 चाहिए टोटल। तो जब आपके 3,00,000 पॉइंट वैल्यू, इसको आप पॉइंट वैल्यू से भी समझ सकते हैं, जब आपके 3,00,000 पॉइंट वैल्यू हो चुके हैं, आपको 7,00,000 पॉइंट वैल्यू चाहिए, तो आपको सिर्फ 4,00,000 पॉइंट वैल्यू और खरीदने की जरूरत है शॉपिंग से। तो 3,00,000 प्लस 4,00,000 आपको 7,00,000 पॉइंट वैल्यू मिल जाएगी, टोटल आपकी शॉपिंग जो है वो 1,00,000 हो जानी चाहिए, चाहे आप एक बार में करें, चाहे 2 बार में करें, चाहे 10 बार में करें, चाहे 100 बार में करें, ठीक है। आई होप कि आप सबका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे और आपका माइंडसेट भी एक बिजनेस माइंडसेट की तरह है। तो आप मिनिमम यहां से लेके चले कि मैं एजेंट से स्टार्ट करता हूं और आपका ये डीलरशिप जो रैंक है मुझे मिल जाती है। अब अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, बहुत देर हो गई इस पॉइंट के ऊपर, थैंक यू सो मच टीना जी। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज यूज एंड शेयर एटॉमी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने ये समझाया कि आप यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं तो अपने यूज के लिए कर रहे हैं और आपको उसको यूज करके लोगों से शेयर करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आप सेल्समैन नहीं है, ध्यान रखना आप बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन पहले खुद एक मिठाई की दुकान आपने खोली, मैं एक हलवाई का एग्जांपल लेता हूँ, आपने बहुत अच्छी स्वीट शॉप खोली और आपने खा के ही नहीं देखा कि मेरी मिठाई में मीठा ठीक है, चीनी ठीक है या नहीं, या उसका स्वाद घी सही पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ। तो जब तक आप खुद नहीं चखेंगे आप लोगों को कैसे बता पाएंगे कि ये बहुत अच्छी मिठाई है। हो सकता है कि आपके मिठाई के अंदर नमक पड़ गया हो चीनी की जगह, हलवाई आपके कारीगर ने डाल दिया हो, उसमें चीनी कम पड़ी हो, तो आप लोगों को बोलेंगे तो कंप्लेंट आएगी ना। उससे अच्छा है कि पहले आप उसको यूज करके देखिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो बेच रहा हूँ सामने वाले को बता रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। आपको झूठ बोलने का बिजनेस नहीं करना, आपको सच बोलने का बिजनेस करना। तो बहुत सिंपल है, आप परचेज आप कर चुके हैं एटॉमी के प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन आपने परचेज करना है, जस्ट यूज द एनी प्रोडक्ट, जो भी आपको पसंद आ रहा है आप यूज कीजिए। एक दो प्रोडक्ट तो आप घर पे यूज कर ही सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी ये सारे प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं से तो खरीद रहे हो, जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं। चाहे आप घर के लिए आप शैम्पू खरीदते हो, चाहे आप घर के लिए टूथपेस्ट खरीदते हो, टूथब्रश खरीदते हो, चाहे आप कोई हेल्थ सप्लीमेंट खरीदते हो, चाहे चाय की पत्ती खरीदते हो, चाहे कॉफी का पाउच खरीदते हो, चाहे फैब्रिक डिटर्जेंट खरीदते हो, तो ये सारी चीजें आप एटॉमी से ले सकते हो। अब आपको मैंने क्या बताया था, आप बिजनेसमैन है, माइंड में हमेशा रखना मैं बिजनेसमैन हूं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, अंबानी को जानते हैं आप सब लोग, अंबानी जो कि जियो का सिम यूज, जियो का सिम बनाते बेचते हैं ना, जियो, जियो के मालिक हैं, राइट, रिलायंस, रिलायंस के, हाँ बिल्कुल। तो रिलायंस के मालिक जो है अंबानी, आपको क्या लगता है कि वो एयरटेल का फोन यूज करते होंगे, एयरटेल का सिम यूज करते होंगे या आइडिया का सिम यूज करते होंगे, किसका करते होंगे बताएंगे एक बार? जियो, वेरी गुड वेरी गुड, जियो, वेरी गुड वेरी गुड। अंबानी जी जो है, जो रिलायंस के मालिक हैं, जिनके जियो कंपनी है, वो एयरटेल का सिम यूज करते हैं, वो आइडिया का सिम यूज करते हैं या वोडाफोन का यूज करते हैं या जियो का करते हैं? आप सब लोग जियो जियो लिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है शायद मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। जियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, ठीक है, वेरी गुड। तो वो क्यों यूज करते हैं? हो सकता है कि वो खुद भी जानते हों कि एयरटेल की जो नेटवर्क है मेरे से ज्यादा अच्छा है, हो सकता है, मुझे लगता है। मुझे आइडिया का यूज करता हूँ, मुझे अभी इस समय जो मैं मीटिंग कर रहा हूँ वो आइडिया के फोन से कर रहा हूँ, आइडिया के सिम से कर रहा हूँ। मेरे पास जियो भी है, मैं आपको दिखा दूँ, ये जियो का सिम है लेकिन मैं इसमें यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसका नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं है, आइडिया का ज्यादा अच्छा है। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसकी सर्विस अच्छी लग रही है। लेकिन अगर मैं जियो कंपनी का मालिक हूँ, जैसे कि मिस्टर अंबानी है, अनिल अंबानी है या मुकेश अंबानी है, आप मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो अपना सिम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनको वो उनका खुद का बिजनेस है, वो इसलिए यूज कर रहे हैं, इसलिए नहीं यूज कर रहे कि वो ज्यादा अच्छा है या लोगों को दिखाना है, वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो उनका खुद का प्रोडक्ट अपना होता है ना, जो अपनापन ऐसे छाती पे हाथ रख के हम कहते हैं यार अपना है, तो वो फीलिंग जो आती है ना वो अपनी चीज की आती है। तो जब आपका खुद का ये बिजनेस है, जब आप अपनी कंपनी के सीईओ हैं, आपको मैंने कल प्लान में बताया था कि आप सीईओ बन जाते हैं, जहां से आप शुरू करते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, जहां से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो ये आपका खुद का बिजनेस है, जहां से आपने शुरुआत करी वहां से आपका ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गया और आप सीईओ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। तो जब आपका खुद का बिजनेस है, आपकी खुद की कंपनी है, आपका खुद का ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है और उसके ऑनलाइन शॉपिंग मॉल पे एटॉमी का वंडरफुल, दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे हाई क्वालिटी का बनने वाला टूथपेस्ट उपलब्ध है, आप खुद बेच रहे हो लोगों को, तो आप वो खुद यूज करोगे या फिर आप बाजार से कोलगेट या पेप्सोडेंट या कोई और प्रोडक्ट लेकर आओगे, कोई और टूथपेस्ट लेकर आओगे? आपको अपना खुद का यूज करना चाहिए, राइट, क्योंकि आप उसको अपना मानते हैं, राइट। तो जब आपका खुद का प्रोडक्ट है, आप 100% सबसे पहले आप खुद यूजर बनिए, ये बात बहुत जरूरी है। आप खुद यूजर जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपको सबसे पहले खुद यूज करना है, यूज करने के बाद आपको लोगों से शेयर करना है। अभी तक हम शेयर करते आ रहे थे या नहीं करते आ रहे थे, आप बताओ मेरे को, आपने बचपन से कोई अच्छी चीज या बुरी चीज शेयर करी नहीं करी? आप बचपन से करते आ रहे हैं, आपको याद भी नहीं होगा आपने कितने हजारों करोड़ों रुपए का सामान बिकवा दिया है यहाँ मीटिंग में आने से पहले, जब से आप पैदा हुए हैं हजारों करोड़ों रुपए का सामान बिकवा चुके हैं, आपको पता भी नहीं है। और आप क्यों नहीं पता, क्योंकि आपको 1 रुपए की कमीशन नहीं आई इसके बदले, ऑलरेडी आप कर रहे हैं। क्यों? बचपन से आप याद करो, जब आप स्कूल में जाते थे, आप जो रेनॉल्ड्स का पेन या अप्सरा की पेंसिल आप यूज करते थे, तो वो अपने दोस्तों को दिखाते थे, हो सकता है उसको शो ऑफ करते थे या चढ़ाने के लिए दिखाते थे दोस्तों को, देखो मेरे पास रेनॉल्ड का पेन है या मेरे पास कोई पार्कर का पेन है, तो वो दिखाकर भी आप लोगों को शेयर करते थे कि मैं ये यूज करता हूँ।
राइट। उसी तरह से आप कोई भी आपको अच्छा लगता है, जैसे लेडीज में खासकर आदत है कि आपको कहीं पता लगा कि वहां पर सेल लग रही है, साड़ी की सेल लग रही है, या वहां पर वहां पर कॉस्मेटिक की बहुत अच्छी नई दुकान खुली है, या वहां पर सूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो हम सब लोग अपनी अपनी फ्रेंड्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। ये हमारी आदत है, बचपन से आदत है, और वो हम फ्री में करते आए, हम बचपन से फ्री में करते आए, हमें उसके बदले 1 रुपए की कमीशन नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर हमें वो ही काम करना जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, साथ साथ उसके बदले में आपकी उसको कमीशन भी मिल रही है। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? कोई लिख रहे हैं शायद, वॉइस ठीक नहीं आ रही, एक बार आप बता दें मेरे को लिख के। तो जो आप बचपन से करते आ रहे हैं फ्री में, बिना किसी लालच के, बिना किसी कमीशन के, अब आप उसको शेयर करके उससे पैसे भी कमा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, और अपने बच्चों का भविष्य भी सुंदर कर सकते हैं। क्योंकि एक इतना शानदार बिजनेस आपको आज मिल चुका है, जिसमें सिर्फ सिंपल 3 ही काम करने हैं, परचेज एटॉमी प्रोडक्ट्स, यूज एटॉमी प्रोडक्ट्स, एंड शेयर विद द पीपल यू नो। हम वैसे भी करते आ रहे थे, अब आप इसको प्रोफेशनली कीजिए तो आपको मजा भी आएगा काम करने का, और आपको उसके बदले इनकम भी आएगी। देखो, थोड़ा सा आपको बेशरम बनना पड़ेगा, मैं आपको क्लियर बताऊं। अगर आप शर्म करते रहेंगे कि मैं इसको बताऊंगा पता नहीं क्या सोचेगा, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप शर्म करते रहेंगे। देखो, एक सेल्समैन होता है ना, जो सेल्समैन कभी भी शर्म नहीं करता, उसी तरह से एक बिजनेसमैन भी कभी शर्म नहीं करता। आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना है, लेकिन काम आप जो करोगे वो सेल्समैन की तरह भी कर सकते हो, क्योंकि आपको शर्म नहीं करनी। ये क्वालिटी आप उससे सीख सकते हो। एक बिजनेसमैन किसी से भी बात कर रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट, अपना कमीशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर देता है। वेरी गुड, थैंक यू जितेश जी, थैंक यू। तो एक आदमी को शेयर करना में शर्म नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि क्यों नहीं करनी चाहिए, दो कारण है उसके। पहली बात तो आपने यूज किया, आपको पता है कि जो आप बोल रहे हो वो झूठ नहीं बोल रहे, वाकई में बहुत अच्छा ये बात, वाकई में बहुत अच्छा ये, क्या लिख रहे हैं मैं पढ़ नहीं पाया, मिस्टर कुछ कह रहे थे, कोई लेडीज थी, चलिए आप दोबारा लिख के भेज देना। तो आपको कभी भी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। आपको झूठ बोलने में, देखो हर आदमी को थोड़ा सा झूठ बोलते हुए ना एक अंदर से झिझक होती है, उसके लिए एक वो आता है बाजार, जो पुलिस वाले यूज करते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट, सुना होगा आपने, है ना। वो कैसे करते हैं कि अगर ये झूठ बोलेगा तो उसकी दिल की धड़कन जो है ना हल्की सी तेज हो जाएगी, है ना, फर्क आ जाता है उसमें। तो वो तभी होती है जब वो झूठ बोलता है। लेकिन अगर आपने खुद यूज किया है एटॉमी का कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है, आपको अच्छा लगा है, आपको फील हुआ है कि वाकई में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, तो आप लोगों से सच बोल रहे हो, और सच बोलने का कोई आपको किसी को धोखा नहीं दे रहे। और दूसरी बात, जिसको भी आप इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, किसी को लेकर आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको कितने पैसे कमा के दे रहे हैं? आप एक ज्वाइनिंग लगा के, या एक आदमी ने अगर 3 लाख पॉइंट वैल्यू का भी आपने सामान खरीदवा दिया किसी को, 3 लाख पॉइंट वैल्यू का मैं बात कर रहा हूँ, एक आदमी ने खरीद लिया, तो आप उसे कितना कमा लेंगे बताएंगे कोई? आपने एक पर्सन से आज अपॉर्चुनिटी बताई, उसको प्लान दिखाया, उसने हाँ कर दी, और 3 लाख पॉइंट वैल्यू उसने इमीडिएटली ऑर्डर लगा दी। आप उस एक बंदे से जो 3 लाख पॉइंट वैल्यू से ज्वाइन कर रहा है, कितना पैसा कमाएंगे कोई बताएगा? यार कुछ नहीं तो मत बोलो, कुछ तो कमाने के लिए आए हैं यहाँ पर कुछ तो कमाएंगे, नहीं हाँ सही कह रहे हैं, देखो हाँ सही कहा आपने, 4,000 रुपये जो बोल रहे हैं वो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, कि अगर आपको 4,000 रुपये आप लेवल पे हैं, जैसे सेकंड लेवल पे हम बात करते हैं, पहले लेवल के बात ही नहीं करता मैं किसी से, सेकंड लेवल पे आप हैं, स्पेशल आप एजेंट हैं, आपको 4,000 की मैचिंग आ रही है, आपने एक आदमी को ज्वाइन कराया, 3 लाख पॉइंट वैल्यू को उसने शॉपिंग कर ली, तो आपको 4,000 नहीं आता, आपको 2,000 की आपको उसकी उससे प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि आपको वैसा ही एक पर्सन दूसरी साइड में भी चाहिए। जैसे उसने लेफ्ट में ज्वाइन किया, वैसे ही एक पर्सन राइट में ज्वाइन करता है, तो आपका दोनों साइड की 3-3 लाख की मैचिंग हो जाती है, तब आपको 4,000 रुपये मिल जाते हैं, राइट। तो अगर हम उसको इस तरह से कैलकुलेट करें कि उसने एक आदमी से हमें 2,000 रुपये मिल गए, राइट, अब वो मिलेंगे कब, जब वो दो हो जाएंगे, वैसे एक और बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से एक आदमी से ज्यादा 2,000 रुपये कमा गए, और वो आदमी जिसने ज्वाइन किया है, अगर वो अच्छी तरह से काम करता है, आपके साथ कदम से कदम मिला के काम करता है, तो वो कितने कमा सकता है बताएंगे? एक साल के अंदर, एक साल की बात करते हैं, चलो ज्यादा लागे सोचते भी नहीं है, एक साल की उसने हिम्मत से मेहनत से काम कर ली, वो कितने कमा लेगा?
जिस आदमी ने आज शुरुआत करी आपके साथ में, वो प्रॉपरली काम करता है आपके, जैसे आप सिखाते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग देते हैं, वो एक साल में कितने कमा लेगा? लाखों, ठीक है, वेरी गुड, 5 लाख पर मंथ, सही कह रहे हैं। तो वो लाखों रुपए कमाएगा, क्या उस लाखों रुपए में से वो 1 रुपए भी आपको देगा? नहीं देगा, लेकिन कंपनी आपको देगी, क्योंकि आपने उसको ज्वाइन कराया था। जितने पॉइंट वैल्यू उसके आ रहे हैं उतने ही आपके लिए, राइट? तो जब हम दूसरे आदमी से सिर्फ 2000 रुपए के लिए एक ज्वाइनिंग लगा के उससे परचेजिंग शॉपिंग करा रहे हैं 50,000 रुपए की, और वो आदमी उससे 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक कमा सकता है एक साल के अंदर अंदर, तो उसका फायदा हो रहा है या हमारा फायदा हो रहा है? आप बताएं मेरे को, आपका ज्यादा फायदा है 2000 रुपए में या उसका लाखों रुपए कमाने से उसका ज्यादा फायदा है? उसका ज्यादा फायदा हो रहा है। तो जब आप दूसरे का फायदा करा रहे हैं तो आप शाय क्यों होते हो? अभी एक लेडीज पूछ रही थी हमारे बीच में कि आई एम शाय, तो उसका मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप थोड़ा सा मेरे को अलाउ करें, ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही मीटिंग, तो एक छोटा सा आपको एक सवाल पूछता हूं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सपोज करो जो भी आप हैं, ठीक है, आप बाहर जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते आपने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा था और वो उस तरफ को जा रहा है जहां से आप जा रहे हैं, और उसकी जेब में से 1000 रुपए का या 2000 रुपए का नोट गिर गया, ठीक है, उसकी जेब में से 1000 का या 2000 का नोट गिर जाता है, आप देख लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब ये मत बोलना कि उठा के अपनी जेब में डाल दूंगा इतने तो बेईमान नहीं होने चाहिए आदमी को। आप क्या करेंगे? आपने देखा आपके सामने एक आदमी जा रहा है और उसकी जेब में से नोट निकल के गिर जाता है, चाहे वो 1000 का हो चाहे 2000 का हो, आप क्या करेंगे? कैसे उसको बुला के बोलेंगे? उसको बोलेंगे ना कि हाँ भैया आपका आपका नोट गिर गया, उठा लो, या उठा के उसको दे देंगे? उसको बुलाकर वापस करेंगे, ऑनेस्टली जरूरी है, देखो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, तभी हम एक अच्छे सफल इंसान बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसको क्या, हम कैसे बोलेंगे उसको, फटाफट कैसे बोलेंगे बताना जरा, कैसे बोलेंगे उसको कि भैया आपका पैसे गिर गया, आपके पैसे गिर गए, जल्दी जल्दी उठा लो, या आप उठा के उसको भाग के, अगर वो सुन भी नहीं रहा तो आप उठा के उसके पीछे भाग कर जाएंगे उसके पास कि भैया आपका पैसे गिर गए, ये कहाँ जा रहे हो भैया, ले लो। अगर वो नहीं भी लेगा, जबरदस्ती उसको रोक के बोलेंगे, नहीं बोलेंगे जबरदस्ती, बुलाएंगे नहीं, एक बार में नहीं सुनेगा, 2 बार में आवाज देंगे, 4 बार आवाज देंगे, जोर से चिल्लाएंगे, तो तब आपको क्यों नहीं शर्म आती? तब आपको शर्म नहीं आएगी? वो तो अननोन है, उसको तो आप जानते भी नहीं है, आज से पहले मिले भी नहीं, देखा भी नहीं है, तब भी उसको आप आवाज देकर रोक रहे हैं और एक बार नहीं सुन रहा, 2 बार चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उसकी बेनिफिट की चीज है, वो सामने वाले का नुकसान होने से आप बचा रहे हैं, आप उसको कुछ दे रहे हैं, तभी तो आप शर्म नहीं कर रहे। तो जब उस वक्त आप शर्म नहीं कर रहे जब आप सामने वाले को कुछ उसका गिरा हुआ उठा के पैसे दे रहे हैं, तो यहां पर भी तो आप दूसरे को कमाने का मौका दे रहे हैं, तो आप शर्म क्यों करते हैं? समझे मेरी पॉइंट, आप पॉइंट को समझ रहे हैं? जैसे आप तब शर्म नहीं करते क्योंकि आपके मन, शर्म कर क्यों नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग होती है कि मैं इससे कुछ ले नहीं रहा हूं, इसको कुछ दे रहा हूं, और वो पागल है, वो मेरी आवाज नहीं सुन रहा, उसको तो सुन लेना चाहिए, उसके फायदे की चीज दे रहा हूं। उसी तरह से एटॉमी की अपॉर्चुनिटी आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या एटॉमी की प्रोडक्ट के बारे में आप किसी को शेयर कर रहे हैं, तो आप अपने फायदा सोच के नहीं कर रहे, आप उसका फायदा सोच के कर रहे हैं कि अगर वो प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसका लाइफ की स्टाइल बढ़ेगा, उसकी हेल्थ बढ़ेगी, उसकी ब्यूटी बढ़ेगी, उसकी फैमिली के लिए अच्छा, एक अच्छी चीज दे रहे हैं, और अगर वो काम करेगा, बिजनेस में ज्वाइन करेगा, तो उसको लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिल रहा है, जो वो शायद खो देगा अगर आपकी आवाज नहीं सुनेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से हमें कभी भी शाय नहीं होना चाहिए, सामने वाले को शेयर करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पहले ये अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं उसको सही चीज दे रहा हूं या गलत चीज। जब आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं उसको चाहे प्रोडक्ट दे रहा हूं, चाहे मैं उसको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, मैं उसके फायदे की चीज दे रहा हूं, तो आप उसको रोक कर पकड़ कर भी कहोगे भैया तू कर, मैं तेरे को बता रहा हूं ना, ये तेरे काम की चीज है, तू जरूर कर, ठीक है। वो नहीं करेगा तब भी आप उसको जबरदस्ती करा लोगे, अगर आपका जानने वाला है तो, इतना हद तो आपके पास होगा ना, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है या रिलेटिव है, तभी उससे आप बोल पाओगे। तो वो आपका विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे आप नीचे देख पा रहे हैं, एटॉमिक के जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, सब आपके काम के ही हैं, कोई ऐसे चीज आपको लेने को नहीं बोल रहे जो कि आपके किसी काम की ही नहीं हो। और कंपनीज में मैंने भी काम किया है, वहां पर हमें वो ऐसी ऐसी चीजें हमें खरीदनी पड़ती थी जो आज तक पहले हमने देखी भी ना हो, और ना ही हम अगर उस कंपनी में आते तब हम कभी भी खरीदते भी नहीं,
ऐसी ऐसी चीजें वो हमें खरीदनी पड़ती है। यहां पर आपको ऐसे कोई चीज तो नहीं खरीदने को बोल रहा कोई, या कंपनी ऐसी चीज तो नहीं आपको दे रही कि जो आपके काम की ना हो, जो अगर आप एटॉमी में नहीं होते, नहीं जुड़ते तो आप नहीं खरीदते। आप तब भी शैम्पू यूज करते, तब भी आप कॉस्मेटिक यूज करते, तब भी आप टूथपेस्ट, टूथब्रश, वॉशिंग पाउडर ये सब यूज करते ही करते और आगे भी करते रहेंगे। बस फर्क यह है कि यहाँ पर आपको दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं और साथ में आपको कमाने का मौका भी मिल रहा है अगर आप लोगों से शेयर करने में शर्माएंगे नहीं। कभी भी शर्माना नहीं है,